दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर आपको बता दें कि जलभराव की समस्या देखने को मिली है। इसके अलावा लोग जो हैं वो फंसे रहे, कई जगहों पर स्कूलों को बंद करना पड़ा है, कॉलेज को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें एडवाइजरी तक जारी की गई कि वर्क फ्रॉम होम लोग करें, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। मीनाक्षी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है और इस पानी भरने की वजह से तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक कार जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। ये तस्वीरें इस तरीके से जब निकल करके सामने आती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां की गई थी सरकार के द्वारा। कई लोगों ने तो ये सवाल खड़े कर दिए कि दिल्ली बना दरिया जिसमें तैर कर जाना है। अगर इस तरह से दिल्ली की तस्वीरें होंगी, दिल्ली, गुरुग्राम, कासगंज, आगरा, नोएडा, मथुरा, ये तस्वीरें केवल वानगी पर, आने वाले 48 घंटों में भी इस तरह की बारिश की तस्वीरें आप देखेंगे। अलर्ट पर आप रहिए क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। मीनाक्षी बिल्कुल, देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। दिल्ली की तस्वीर, गुरुग्राम की, कासगंज की, आगरा, नोएडा, मथुरा, ये 6 तस्वीरें अपने आप में ही वानगी पेश करती है कि आखिरकार किस तरीके से उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश का आलम है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया एनसीआर इलाकों में, खासकर लगातार बारिश हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर, सुनिए। सो अभी जो लेटेस्ट आज 23 सितंबर है तो पास्ट 24 आवर्स में जो मिला हुआ है हमारा आंकड़ा, तो ज्यादा बारिश सबसे हुआ है बल्लभगढ़ में हुआ है 180 मिलीमीटर, जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ एरिया है। और हम अगर एनसीआर का अगर देखें, अलवर में भी और गुड़गांव में भी वेरी हैवी रेन हुआ है। और दिल्ली का जो है सबसे ज़्यादा आया नगर पाला में हुआ है, जो 110 मिलीमीटर, एंड दिल्ली लाइक सफदरजंग लोधी रोड आल्सो 74 मिलीमीटर हुआ है, हैवी रेन हुआ है। और जैसे जैसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो मेजर रेनफॉल जो है अलीगढ़ से लेकर के सहारनपुर, ये सारा जो एरिया है एनसीआर का बाजू में जो एरिया है वहाँ भी हैवी रेनफॉल हुआ है। यानी जो एरिया में ये सीजन में कम बारिश था वो काफी मेजर। ये बारिश बनी आफत, किस तरह से तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं मीनाक्षी। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार कहाँ बारिश हो रही है और कितनी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है, ये भी आपको समझाते हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि आखिरकार किस तरीके से हमारे यहाँ बारिश की स्थिति को संभालने की तैयारी की जाती है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। उत्तर भारत की तमाम तस्वीरों के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार बारिश किस तरीके से आफत बन गई है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में आने वाले 2 दिनों तक मौसम की मार ऐसे ही आपको झेलनी पड़ेगी। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर की सड़कें जो है वो लबालब भर गई, जाम जैसे हालात पैदा हो गए, लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। जहाँ लोग 15 मिनट में अपनी दूरी तय करते हैं वहां पर 1.5 घंटे भी लग गए। मीनाक्षी बिल्कुल, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में साफ तौर पर यहाँ चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि यहाँ पर अभी भी बारिश किसी तरीके से होती रहेगी। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना है और हमारे साथ सहयोगी अजान अंसारी भी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अजान, इस समय ग्राउंड जीरो पर है, ताजा हालात कैसे हैं बारिश को लेकर, मौसम विभाग की क्या चेतावनी है, इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में मौसम अभी कैसा रहेगा। बिल्कुल सागर, इस वक्त हम गुड़गांव में मौजूद हैं और ये जो जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये राजीव चौक मुख्य चौराहा कहलाता है और यहाँ की जो स्थिति है, फिलहाल बारिश अभी रुकी हुई है तो स्थिति सामान्य है। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जलभराव कितना ज़्यादा है। जब यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये गुड़गांव है, कल की स्थिति की अगर बात करें तो कल लगातार 8 घंटे यहाँ पर बारिश हुई थी जिसके चलते 5 किलोमीटर तक का जो जाम है वो लग गया था। अब फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं राजीव चौक से, ये गुड़गांव का राजीव चौक है, जो जल भराव है वो लगातार आप देख सकते हैं। जिस तरीके से गुड़गांव समेत कई अन्य राज्यों में ये बारिश जो है लगातार हो रही है और नोएडा, गुड़गांव में स्कूल जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जो ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं उनको ये हिदायत दे दी गई थी कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो हालांकि मौसमी के लिहाज से तो राहत मिलती ही है लेकिन जब ये ज़्यादा पड़ जाती है तो ये एक आफत भी बन जाती है। दूसरी ओर
मौसम विभाग का ये कहना है, येलो अलर्ट अभी जारी है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो दिन हैं उसमें भी बारिश पड़ने की पूरी संभावना है। साथ ही जब बारिश पड़ती है तो जलभराव हो जाता है। बिल्कुल, नजर बना रखिएगा किस तरह के हालात हैं, वो लगातार आप दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।